पर अज आप मेला चीमियां स्पैशल सम्मानित कर रहे हैं। मिस अमृतसर पंजाबन पीटीसी एक्ट्रेस चिड़िया का चंबा इन्हों की फिल्म ते परछावा फिल्मों के इन्होंने लीड रोल किया तो अज सा मेले च आए। ताड़ी मारो जरा जोरदार। सो जिथे वेलकम है उत्थे इन्हों अज सम्मान भी दिता जा रहा। दो शब्द जरूर अज के इस मेले बारे कह के जाएंगे मनप्रीत जवंदा जी। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सो ये देन सानू गदरी बाबियां दी, ये देन सानू साडे योधियां दी, नौजवानां दी, शहीदां दी, साडे गुरुआं पीरां दी, राजा महाराजां दी। ते खास करके मैनू लगता है कि जदों किसानी संघर्ष चलिया तां फतेह दी सांझ असल च साडी युवा पीढ़ी नू एक बार फिर तो पाणी सिखा दित्ती इस किसानी संघर्ष ने। किसानी योधे दा कल भोग सी, सारे कहिंदे अंतिम अरदास आ जी दीप सिद्धू दी। उन्हां दी अंतिम अरदास कदे हो ही नहीं सकती जो वह जिउंदे जी कर गए ने, जो जवानी नू एक चिणगो जगा गए ने। कल मेला सी और प्रबंध करने वाकई बड़े औखे हुंदे ने। जदों मैं अज एंटर होई तां प्रशासन दे मैनू पुख्ता प्रबंध दिसे। सो ड्यूटियां अलग अलग जगह ते लगियां हुंदियां ने प्रशासन दियां, पर फिर भी अज प्रशासन तैनात सी। लोगों ने भी पब्लिक ने भी हुम हुमा के हाजरी भरी भर रहे ने। तो मैनू पता है जिवें जिवें मेला शिखर नू जांदा है, आखिरी पौड़ी नू जांदा है, उवें उवें होर भरदा है। सो गदरी बाबिया ने जो आजादी दे लई अपनी शुरुआत कीती सीगी, वह शुरुआत करतार सिंह सराभे होना तो लैके वह चिन्ह गज तक साड़ी नौजवानी दे विच सी। ते असी किसानी संघर्ष नू फतेह कर पाए, किसानी संघर्ष असी जित पाए। एक बारी किसान मजदूर एकता दे नाम ते नारा जरूर लगावांगे, किसान मजदूर एकता, दीप सिद्धू, दीप सिद्धू अमर रहे। क्योंकि वह अपनियां गल्लां जरिए अमर रहणगे। सब की विचारधारा अलग अलग होंदी है, कई बारी सानू किसे तो गिले शिकवे हो जांदे ने, पर मैनू लगता है कि जो किसानी दे विच उहनां दा योगदान सी उह हमेशा ही अपुल रहेगा, वह हमेशा ही अमिट रहेगा। तो इहदे नाल ही भ्रूण हत्या ते, क्योंकि मैं एक बेटी हाँ, मैनू मान सम्मान मिस अमृतसर के तौर पर भी होंदे रहिंदे ने। मैं एज अ टी वी एंकर एंड रेडियो प्रजेंटर एक्ट्रेस भी काम करती हाँ, मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हाँ, और जदों भी कितें जाइए तो असी अपने प्लेस दे विच भी किरदार वख वख निभाने रहिंदे हाँ। कहिंदे ने कुख च धी ते धरती च पाणी, जे ना सांभे तां खतम कहानी। मैं अपनी दादी तो सुनती हुंदी सी, दादी भ्रूण हत्या किवें हुंदी आ? कहिंदे बच्ची जदों जम्मदी सी, क्योंकि मशीनी युग नहीं सी, पता लगदा सी बेटी आ, तां गवांढियां नूं भिणख तक नहीं सी लगण दिंदे, अक्क दा दुध चटा दिंदे सी ते बच्ची दी कहानी खत्म। उस तों बाद मशीनां आईयां, मशीनी युग ने कुख च पैदा होण तों पहलां ही कुख च ही भ्रूण हत्या करनी शुरू कर दित्ती। बहुत सारे कानून देशां विदेशां च चले, भ्रूण हत्या कल्ली हिंदुस्तान दे विच ही नहीं हुंदी, गुआंढी देश पाकिस्तान दे विच इस तों भी ज़्यादा सानूं सुणन नूं मिलदी रही है, और देशां विदेशां च भी ये चीज़ां हुंदियां ने। जदों मशीनी युग आ गया तां पता लगन लग गया बेटा है कि बेटी आ, बेटी नूं कुख च खत्म कर दिता जाण लग्या। उस तों बाद हुण एक होर जो ट्रेंड चल पिया है, सिंगल बच्चे का ट्रेंड, जे मुंडा हो जाए तां भ्रूण हत्या तां कुख च भी नहीं हुंदी, पहला ही खत्म कर दित्ती जांदी। असी दूजा बच्चा जम्मणा जिहड़ा आ उह वाजब ही नहीं समझदे, चंगा ही नहीं समझदे, क्योंकि डर हुंदा है किते बेटी पैदा ना हो जाए। तो सब तो पहला भ्रूण हत्या जे रोकनी है, असी बेटी नूं धरती ते आउण देना है, तो सानू समझना पएगा रीज़न की ने, ये क्यों खत्म हो रहा। सब तो वड्डा रीज़न बलात्कार, जिस्मी बलात्कार नहीं, नज़रां च भी बलात्कार हुंदा है। असी अखां अखां च बेटी जांदी नूं खा जांदे आ, सानू बलात्कार रोकना पएगा। सानू घरां च अपने पुत्रां दीआं नज़रां सुचज्जियां करनियां पैणगियां। एजुकेशन बहुत महंगी हो गई आ, मापे डरदे ने कि महंगियां महंगियां पढ़ाइयां, आईलैस, विदेशां दे खर्चे, उस तों बाद दहेज, महंगे विआह। जे कोई पढ़ी लिखी बच्ची का रिश्ता करना चाहुंदा है विदेश दे विच, तां डिमांड की हुंदी है जी, 25-26 लाख लगा दो, असी लैंदे देंदे कुछ नहीं, तुसी इन्ने इन्ने वैल सैटल्ड हो, तुसी पढ़े लिखे हो, तुसी कमा रहे हो, तुसी बिजनेसमैन हो,
एक बेटी दे बाप नूं क्यों मजबूर किया जाता है भाई 25-26 लाख 30 लाख व्याह ते लग जे, ये तो सौदा हो गया ना, फिर व्याह ना होया। सो जिनी देर असी इन्हां कुरीतियां नूं खत्म नहीं करते, गुरु नानक देव जी कह गए सी, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे रजान, औरत ते जबर जुलम नूं देखदे उन्हां कहा सी एती मार पई कुरलाने तैं की दर्द ना आया। सो असी उन्हां गुरुआं पीरां दे पाए पूरनियां ते क्यों नहीं चलते, मैनूं लगता है कि सब तो पहला कुरीतियां खत्म करनिया पैणगियां। जदों कुरीतियां खत्म हो गई तो भ्रूण हत्या रुक जाएगी। मैं बहुता समा नहीं लेंदी, बोलना शुरू करिए तो बोलन नूं बहुत कुछ है। सो कोई गल नहीं, समय आते रहते ने, असी सोशल साइट्स से भी लोगों नूं जागरूक करते रहने। सब तो वड्डी गल सानूं जागरूक होने की जरूरत है, जिस दिन असी इन्हां कुरीतियां प्रति जागरूक हो गए तो अपने आप ही सब कुछ सही हो जाना है, भ्रूण हत्या रुक जानी है। सब तो वड्डी गल साडे पितर प्रधान समाज की, जदों साडा समाज साडियां सरकारां नशियां वल इन्हां कुरीतियां वल ध्यान देना शुरू कर देणगियां तो समाज सुचज्जा हो जाएगा। एक बार फिर तो फतेह दी सहिंज पाइए, इजाजत दिओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, प्रबंधक कमेटी सरदार सरजीत सिंह चीमा जी, साडे सीनियर कलाकार ने बच्चों वांगू बहुत मुहब्बत बख्शते ने। साडा अपना कह सकते असी पिंड आ, क्योंकि वह सानू बहुत मुहब्बत देंदे ने। आरनेत जी, नछत्तर गिल जी पहुँच गए ने, कुछ कलाकार पहुँच रहे ने। सो सब का उन्होंने तरफों, क्योंकि चीमा साहब इतने आप मौजूद नहीं है, उन्होंने वालों भी ते मेरे वालों भी सब का निघा जी आया। सत श्री अकाल जी।